Hey my beautiful honeybees, welcome or welcome back to my channel. मैं हूँ आफरीन. तो guys, आप सबको पता ही है, मैंने तो already बोल दिया था कि delivery में मेरा अभी ज़्यादा time बिल्कुल भी नहीं बचा है. Doctor ने final date मुझे दे दिया है कि भाई इस दिन तुम्हारा delivery होगा. कौन सा date अभी मैं नहीं बताऊँगी, बाद में सब कुछ बताऊँगी. आप लोग थोड़ा सा सबर करो क्योंकि सबर का फल मीठा होता है. मैं भी सबर कर रही हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा करो. Guys, thumbnail से और title से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि video कौन से topic के ऊपर होने वाला है. वैसे ये एक most requested video है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि दी जेंडर प्रेडिक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाओ, इससे क्या होगा, मेरे क्या क्या सिम्टम्स है, आप लोगों के क्या क्या सिम्टम्स है, ये सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा. तो यही बात है. और मैं क्या बताऊँ, सच कहूँ तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ क्योंकि मेरे पूरे प्रेगनेंसी में जैसे आप लोगों ने मुझे कहा, किसी ने कहा लड़का होगा, किसी ने कहा लड़की होगी, तो मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि हाँ भाई तेरा तो बेटा ही होगा, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हाँ भाई देख के पता चल रहा है कि तुझे बेटी होने वाली है. तो ये सब चीज़ मतलब कम्प्लीटली मिथ है, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ. बट आप लोगों ने बस कहा तो मैंने भी सोचा कि हाँ चलो, सिम्टम्स के बारे में तो मुझे पता ही है, शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ. तो इसीलिए मैं आ गई हूँ बैठ के ये वीडियो बनाने के लिए. तो पहले मैं बात करना चाहूंगी सबसे मेन चीज की, जिसको देख के लोग फटाक से बोल देते हैं कि लड़का होगा या फिर लड़की, वो है पेट. बेबी पंप देख के लोगों को पता चल जाता है, मतलब ऐसे लोग कहते हैं कि उन लोगों को पता चल जाता है लड़का होगा कि लड़की. तो अगर आपके पेट ऊपर की तरफ है, मतलब पूरा एकदम गोल है, तो लड़की होगी. और अगर पेट नीचे की तरफ है, बेबी को आप अगर नीचे की तरफ कैरी कर रहे हो, तो आपको लड़का होगा. तो मेरी अगर पेट की मैं बात करूँ तो मतलब कभी कभार ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ है, गोल है. बट मैंने जो चीज़ अच्छे से मिरर पे मैंने खुद को जो अच्छे से मैंने देखा है, तो मैंने देखा है कि हाँ भाई मेरी जो पेट है वो नीचे की तरफ है, मतलब मैं बेबी को नीचे की तरफ कैरी कर रही हूँ. तो इस हिसाब से कहा जाता है कि ऊपर होगा तो मतलब गोल होगा तो बेबी गर्ल, एंड अगर नीचे की तरफ होगी तो बेबी बॉय. तो ये सिम्टम्स जाते हैं बेबी बॉय को. फिर और एक जो चीज़ है जिससे लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं लड़का होगा कि लड़की, वो है बेबी का हार्ट रेट. तो शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी आप अल्ट्रासाउंड करोगे, उसमें आपको मतलब अगर 140 के ऊपर रहे तो बेबी गर्ल, और अगर 140 के नीचे रहे हार्ट रेट तो बेबी बॉय. तो मेरे हमेशा से ही 140 के ऊपर रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे बेटी होने वाली है. फिर और एक जो चीज़ है वो है लुक्स के ऊपर, मतलब प्रेग्नेंट वुमन को वुमन का फेस देख के लोग बता देते हैं लड़का होगा कि लड़की. तो अगर आपकी फेस एकदम क्लियर रहे, क्रिस्टल क्लियर रहे, प्रेगनेंसी का ग्लो आ जाए फेस पे, तो इसका मतलब आपको लड़का होने वाला है. क्योंकि लड़के होने से फेस पे ग्लो आ जाते हैं, और कहते हैं कि लड़कियाँ जो है ना वो मम्मी की सुंदरता ले लेती है. तो इसीलिए अगर आपकी बेटी होगी तो आपके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स, एक्ने वगैरह, इन सब की काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे. तो आप सब ने तो देखा ही होगा कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे फेस पे कोई भी दाग धब्बे कहो या फिर कोई भी पिंपल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप लोगों के साथ तो मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैं सब कुछ शेयर कर ही रही हूँ. तो इसका क्या रीज़न है, मतलब ये बेटा होगा इसीलिए ये ग्लो है कि नहीं है, मुझे भाई नहीं पता. बट अपने प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैं यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश. इसमें टर्मरिक एंड सैफ्रन की गुडनेस, टर्मरिक नेचुरल ग्लो को रिवाइव करता है, एंड सैफ्रन स्किन को रेडिएंट करके एक सूथिंग इफेक्ट देता है. इसको मैं एवरीडे मॉर्निंग एंड नाइट में यूज करती हूँ. ये स्किन को ब्राइटन करके एक ग्लोई स्किन देता है. वैसे गाइस, मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव कंपनी है, एंड इनके सारे प्रोडक्ट्स हार्मफुल केमिकल फ्री है, ऑल नेचुरल है, एंड मेड सेफ सर्टिफाइड है. तो आप इसको एवरीडे यूज कर सकते हो. गाइस, मामा अर्थ हैज अ प्लान गुडनेस इनिशिएटिव, विच मीन्स जब भी आप मामा से कुछ भी बाय करते हो, वो लोग आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं एक ट्री के साथ, जिसको वो लोग प्लान करते हैं. एंड बाय 2025 मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव. मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको एमेजॉन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल एंड मामा अर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पे अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मामा अर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप का लिंक दिया हुआ है. वहां पे जाके अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है AFR2024, तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएंगे. एंड आजकल ना मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स आपके नियर स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो आप लोग डायरेक्टली वहीं से बाय कर सकते हो। फिर आती है पॉइंट नंबर 4। अगर आपको ज्यादा मीठा खाने का मन करे, इसका मतलब आपको बेटा होने वाला है, और अगर आपको मीठा नहीं, ज्यादा तीखा, नमकीन या फिर खट्टा, ऐसा कुछ चीजें खाने का मन करे, तो बेबी गर्ल होने के चांसेस हैं। बट पता नहीं, ये थोड़ा सा मतलब ये है क्योंकि कोलकाता में लोग ऐसे मानते हैं कि अगर आपको मीठा खाने का मन करे, क्योंकि बेबी गर्ल जो होते हैं वो मीठे होते हैं, हम लड़कियां मीठे होते हैं, इसीलिए आप अगर आपको मीठा खाने का मन करे तो आपको बेटी होने वाली है, और अगर आपको खट्टा चटपटा नमकीन खाने का मन करे तो बेटा होने वाला है। बट ये चीज को कुछ पता नहीं है क्योंकि एक एक लोग एक एक चीज मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं मीठा खाने से बेटी होती है, कुछ लोग मानते हैं मीठा खाने से बेटा होता है, तो मुझे नहीं पता यहाँ पे मैं क्या कहूँ। बट गाइस, मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद आया था प्रेगनेंसी, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा मीठे खाए। इतना मीठा तो मैंने अपने लाइफ में कभी भी नहीं खाए जितना मैं प्रेगनेंसी में खाई हूँ। मुझे हमेशा मतलब मीठा खाने का मन करता था, क्रेविंग मुझे हमेशा मीठे की बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, अभी भी मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है कहते कहते, और खट्टा चटपटा उतना खाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हुआ है, उतना होता भी नहीं है सच कहूँ तो अभी आप लोग ही बता दो कि लड़का होगा कि लड़की। फिर आता है पॉइंट नंबर 5। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके हाथ पैर हमेशा ठंडा ठंडा सा रहे, इसका मतलब आपको बेटा होने वाला है, और अगर गर्म रहे तो बेटी होने वाली है। और मेरी अगर बात की जाए तो मेरी हमेशा से ही हाथ पैर मतलब काफी ज्यादा गर्म गर्म ही रहते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे बेटी होने वाली है। फिर आता है पॉइंट नंबर 6 की, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके हाथ पैर फुला फुला सा रहे, हाथ पैरों में दर्द रहे ज्यादा ज्यादा करके, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको बेटी होने वाली है, और अगर कोई भी दर्द वगैरह ना रहे तो आपको बेटा होने वाला है। और मुझे ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हुए, मेरे हाथ पैर भी फूले थे, बट वो हार्डली एक या दो बार, और उस दिन फूले थे। एक बार मैं शादी पे गई थी, पूरा दिन खड़े रह के बैठ के मैं गई थी, इसके लिए क्या हुआ था, मेरे पैर फूल गए थे। और एक दिन हुआ था, वो भी मैं एक दिन बाहर गई थी, ज्यादा टाइम तक खड़े रहने की वजह से हुआ था, अदरवाइज कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नॉर्मल मैं आराम से घर पे बैठी हूँ और मेरे हाथ पैर ऑटोमेटिकली फूल गए, ऐसा मुझे नहीं हुआ था। बस दो बार ही हुए थे, वो भी रीजन के वजह से, तो इसीलिए अगर देखा जाए तो हाथ पैर मेरे नहीं फूले, और सूजन वगैरह इन सब का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमर दर्द सब ये नॉर्मल सी बात है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लड़का होने वाला है। पॉइंट नंबर 7 की बात आती है, तो यहाँ पे आता है, अगर आपका जो बेली बटन है मतलब नाभि जो होते हैं, अगर वो बाहर की तरफ है तो आपको बेटा होने वाला है, और अगर नाभि अंदर की तरफ है तो आपको बेटी होने वाली है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेरी जो बेली बटन है वो ज्यादा बाहर की तरफ नहीं है, मतलब अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, और ज्यादा मतलब उतना भी बाहर नहीं है, बट हाँ जब भी मैं कोई भी ड्रेस पहनती थी तो ऊपर से वो विजिबल मतलब दिख रहा होता है, बेली बटन बाहर से मतलब ड्रेस के ऊपर से पता चल रहा होता है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरी जो बेली बटन वो बाहर की तरफ है, तो मुझे इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे बेटा होने वाला है। फिर बारी आती है नंबर 8 की, तो अगर आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको बेटी होने वाली है, और अगर आपको मूड स्विंग नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल सी चीज है, तो आपको बेटा होने वाला है। तो अगर मेरी बात की जाए तो नहीं भाई, मुझे तो मूड स्विंग बिल्कुल भी नहीं हुए, मतलब मैं बिल्कुल भी नॉर्मल थी, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मेरे मूड स्विंग हो रहे हैं, कभी मुझे गुस्सा आ रहा है, कभी मुझे रोना आ रहा है, कभी मुझे कुछ और ये फील हो रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। तो अगर गाइस उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे बेबी बॉय होने वाला है। तो नंबर 9 पॉइंट की अगर बात किया जाए तो है मॉर्निंग सिकनेस। अगर आपको बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको बेटी होने वाली है, और अगर आपको कोई भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं है, सुबह उठ के आप नॉर्मल फील कर रहे हो, तो आपको बेटा होने वाला है। तो फर्स्ट 3-4 महीने तक तो मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, मतलब टोटली बेड रेस्ट पे मैं थी आप कह सकते हो, बट फिर भी उतना बीमार रहने के बाद भी सुबह उठ के कभी मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुए थे, और मतलब बाकी प्रेगनेंसी के मतलब चार महीने के बाद से भी मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मतलब उल्टी जब होती थी तब होती थी, बट सुबह उठ के मैं हमेशा फ्रेश रहती थी, मुझे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे बेबी बॉय होने वाला है। तो अभी आती है पॉइंट नंबर 10 की,
तो अगर आपका जो होता है ना बेली बटन से लेके ऊपर तक एक लाइन रहती है, स्ट्रेट एक लाइन, टेढ़ा मेढ़ा एक लाइन होता है, मतलब नाभि से नीचे और नाभि के ऊपर एक लाइन रहता है, अगर वो लाइन आपका स्ट्रेट रहे, मतलब नीचे से स्ट्रेट ऊपर से पूरा स्ट्रेट रहे, तो आपको बेबी बॉय होगा। और अगर आपका मतलब नीचे से स्ट्रेट रहे, नीचे से सबका स्ट्रेट ही रहता है और ऊपर से मतलब थोड़ा अगर टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ हो तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे पूरा मतलब नाभि के नीचे से मेरा पूरा स्ट्रेट लाइन है और ऊपर से भी पूरा स्ट्रेट लाइन है, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे बेबी बॉय होने वाला है। सारे सिम्टम्स तो लड़के का ही है भाई, अब मुझे नहीं पता, बहुत से लोगों ने तो मेरे कमेंट में आके पूरा बोल ही दिया, पूरा सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई तुम्हें लड़का होगा, और बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि भाई लड़की होने वाली है। तो सारे सिम्टम्स मतलब ज्यादातर सिम्टम्स लड़के का ही है, तो अभी देखते हैं पता नहीं क्या होगा। अभी भी एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट बाकी है, वो भी सुन लो आप। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग तो वेट गेन करते ही है, फिलहाल मेरे 72 kg वेट है, मतलब कितना ज्यादा बढ़ गया है, मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि इतना वेट मेरा गेन हो जाएगा। तो जो भी हो, अगर आपके साथ साथ आपका जो पार्टनर है वो भी वेट गेन करे, मतलब इतना नहीं बट नॉर्मल से अगर उनका भी वेट बढ़ जाए, तो इसका मतलब आपको बेबी गर्ल होने वाली है। और अगर आपका वेट बढ़े और आपका जो पार्टनर है उनका वेट नॉर्मल ही रहे, तो इसका मतलब आपको बेबी बॉय होने वाला है। मतलब ये लोग मानते हैं, मैं तो नहीं मानती हूँ, मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ इनमें से, बट उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ भाई, मैंने तो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया, बट मेरा जो हस्बैंड है रिजू ने बिल्कुल भी वेट गेन नहीं किया, उसका वेट बिल्कुल नॉर्मल ही है, जैसा उनका था अभी भी उनका वैसा ही, आगे भी शायद वैसा ही रहेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लड़का होने वाला है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मुझे पूछते हो कि दी आपको क्या चाहिए, मतलब आपको मतलब बेबी बॉय आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर बेबी गर्ल, तो मैंने अपने स्टार्टिंग के व्लॉग से लेके अभी तक के व्लॉग में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि हाँ भाई, मुझे बेबी गर्ल बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को ही हमेशा से ही मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई, एक बेबी गर्ल आएगी तो घर पर रौनक आ जाएगी, मतलब तो ऐसा मुझे लगता है। और मैं भी अकेले अकेले रहती हूँ, तो मुझे एक बेबी अगर गर्ल होती है ना, तो मेरी एक मतलब सहेली आ जाएगी, तो मैं उस हिसाब से मुझे बेबी गर्ल ज़्यादा पसंद है। आगे अल्लाह जो दे, बस बच्चा मेरा तंदुरुस्त रहे, अच्छा रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मैं भी अच्छी रहूँ, अच्छे से बेबी को मैं ये कर पाऊँ, तो सारे मैं बस यही चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक रहे, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग भी बस यही करो, मतलब लड़का लड़का लड़की लड़की करके कुछ फ़ायदा नहीं है, बस मतलब हेल्दी बेबी हो, यही सबसे बड़ी बात है। तो आप लोग आपके सिम्टम्स मुझे बता देना कि इस सिम्टम्स के हिसाब से आपको क्या लगता है, आपको बेटा होगा या फिर बेटी होगी। मेरे तो ज़्यादा लड़के ही आए हैं, पता नहीं क्या होगा। तो मैं आप लोगों के लिए दुआ हमेशा करती हूँ, तो आप लोग भी मेरे लिए प्लीज़ दुआ करना। डेट मेरा आ गया है, तो अभी बहुत सारे शॉपिंग, बहुत सारी तैयारी, बहुत सारी चीज़ें करने हैं, तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसीलिए सही से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, बट आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि आगे आगे मैं क्या क्या कर रही हूँ, और आप लोग भी मुझे बताते रहना कि क्या मुझे करना चाहिए फिलहाल। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और दुआ भर भर के देना प्लीज़, क्योंकि अभी मुझे दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमेशा से ही ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।